हाय गाइस, सो काजल जी, हम बेचारे दो अकेले, हाँ, एक दूसरे के सहारे, हाँ, हम एक दूसरे के सहारे बन चुके हैं। हाँ, तो नए लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता कौन अच्छा है कौन बुरा है। खैर कोई बात नहीं, आप तो हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं, आपके लिए तो हम गारंटी ले सकते हैं। हमारा और आपका रिश्ता तो बहुत पुराना हो चुका है। हाँ, बहुत पुराना रिश्ता हो चुका है ना, कई साल हो गए हैं, लग तो ऐसा रहा है ना। खैर आज हम आकाश गुप्ता की वीडियो पे रिएक्शंस करेंगे। टाइटल बताओ, रिलेशनशिप्स क्लबिंग एंड कॉकटेल्स। ओके, रिलेशनशिप में ये तो अब आम बात हो गई है। हाँ, क्लबिंग और कॉकटेल्स भी बहुत ज्यादा आम ही हो चुका है आजकल के। लेकिन आकाश गुप्ता जी हमें बताएंगे उनका क्या नजरिया है इसे लेकर। सो रिएक्शंस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हो गया और आई एम वेरी हैप्पी, और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। बट मेरी लाइफ की आयरनी ये है कि अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मेरी बहुत सारी क्लोज फ्रेंड्स हैं। वो जो लड़कों की क्लोज फ्रेंड्स होती है ना, जिनके साथ अगर आप रात को 12 बजे घूम रहे हो तो उसके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है, और वो आपका नाम लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, और आपको बदले में व्हाट्सएप पे तो मुआ मुआ मिलते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ। लेकिन वो इतनी क्लोज फ्रेंड्स तो रैंडमली आपके पास आ गई थी, देख देख मैंने 2 महीने से वैक्सीन नहीं कराई, मुझे नहीं देखना, देख देख चोटी बन जाएगी, तो मैं क्या करूँ यार, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। लेकिन हम लड़के ऐसे नहीं करते कि लड़कियों के पास जाकर रैंडमली बोल रहे हैं, देख देख 2 हफ्ते शैम्पू नहीं किया, डैंड्रफ आएगी ना, ले 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 थोड़ा सा लेना। तो जो मेरी बंदी थी ना, उसके पास ना गेम्स थी मेरे साथ खेलने की, तो सबसे पहली गेम थी उसकी क्वेश्चन आंसर राउंड। उसमें वो क्या करती थी, वो रैंडमली मुझे किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल देती थी और मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी जिसके आंसर्स उसको पहले से ही पता थे। तो एक बार हम खाना खा रहे थे कहीं, तो रैंडमली शीज लाइक, अच्छा सुनो, अगर मैं मर गई तो क्या करोगे? खुद ही जवाब, ऑब्वियसली दूसरी पटा लोगे ना, तुम्हारे पास लड़कियों की कमी थोड़ी ना। फिर आप इससे उभर रहे होते क्वेश्चन नंबर 2, मुझमें और मम्मी में किसको चूज करोगे? व्हाट, ऑब्वियसली मम्मी को, मेरा क्या, 1 कोमल जाएंगी 100 कोमल आएंगी। मैं कहा यार तू खुद ही खेल ले, मुझे ऐसी गेम ही नहीं खेलनी जिसमें मुझे पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है, ठीक है? और मैं यहाँ तेरे साथ डेट पे हूँ, मेरे साथ सच का सामना क्यों खेल रही है यार, मतलब। लेकिन फ्रेंड लाइक मेरा नार्को टेस्ट चल रहा है, बता मम्मी को चूज करेगा किसको चूज करेगा, बोल बोल सोना नहीं बोल। फिर दूसरा वेपन उसका ये था कि अगर उसकी बात ना मानी जाए ना, तो वो सडनली एक सिडक्टिव कैरेक्टर में चली जाती थी अपनी बात मनाने के लिए। तो एक बार हम एक रूम में बैठे थे, तो मैं उसने कहा फैन चला दे, मैं नहीं चला रहा। ये चला दे यार, मैं नहीं चला रहा। आकाश गर्मी हो रही है, फैन चला दे। मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं, एसी भी चला दूंगा ऐसे, ठीक है? मतलब मैं उस आवाज़ को ना मना ही नहीं कर पाया। देन आई हर्ड दैट सॉन्ग, जीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा। आई फील एक लड़की इस आवाज में संसार में कुछ भी करा सकती है, लाइक शी कैन गो टू मैकडॉनल्ड्स, लाइक मैकडॉनल्ड्स वाले भैया मुझे फ्राइज खिला दो, वो ना टब भर के ले आएगा, आजा मैडम आजा पैरी पैरी खिला दूं, केचप लगा दूं, मील बना दूं। बट देखो जैसी भी थी काफी क्यूट थी, ठीक है, मेरी बंदी जैसी काफी क्यूट थी, लेकिन इतनी क्यूट थी कि वो गाली भी पूरी नहीं देती थी, आधी गाली देती थी। चू कहीं का वहां पर चू है तू बीसी। तो एक बार उसे पूरी गाली दी तो गाली गाली नहीं लगी, कहती यू नो व्हाट यू आर, मैं कहा यू आर सच अ मादिचूत। तो मुझे लगा कोई नया ज़ोडियक साइन आया, मैंने बोल दिया मैं कैप्रिकॉर्न, मादिचूत क्या होता है ये। तो जितने टाइम हम रिलेशनशिप में थे ना, तो उसको कुछ चीज़ें करना पसंद थी, तो वो मुझे साथ में जबरदस्ती ले जाती थी क्योंकि हम रिलेशनशिप में थे। लाइक मेरे को क्लबिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको बहुत पसंद थी, तो वो हमेशा मुझे फ्राइडे नाइट को दिल्ली में एक जगह आसपास विलेज वहाँ ले जाती थी। और लड़कियों को बहुत शौक होता है लाइक क्लबिंग जाने का, यू नो, ऐसे ड्रेस व्रेस पहनेगी, हील्स हील्स पहन के चल रही है, कुछ लड़कों को बहुत शौक होता है, वैसे टाइट वाली टी शर्ट पहनते हैं, स्पाइक्स इतने नुकीले निकाल के मारते हैं किसी के, मतलब
क्या स्टैग एंट्री देगा, तेरा बाप भी देगा साले। हाँ बारह सौ छह सौ में लूंगा, 600। और आप कभी किसी क्लब में एंटर करो ना, आप एक चीज ले सकते हैं, सबसे ज्यादा स्वैग अगर किसी का होता है ना तो वो डीजे का भी नहीं होता, वो होता है बारटेंडर का। ये 9 बजे ना आपको जेंटलमैन की तरह ट्रीट करता है। यस सर, योर व्हिस्की, हियर यू गो सर। ओह सॉरी विद आइस। 12 बजे इसको माता चढ़ जाती है। इन्होंने पी भी नहीं होती फिर भी ये नाच नाच के ड्रिंक्स बना रहे होते, अपने ट्रिप में चले गए होते हैं, ठीक है। फिर आप इनसे ड्रिंक मांगो, इनके स्टंट शुरू हो जाते हैं। सर एक सेकेंड, मैं कहा वेरी नाइस, एक मौत का कुआं भी लगवा देते तेरे लिए, ठीक है। तो वो भी कर ले, मैं ड्रिंक मांगी, सर्कस देखने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे। और इतना टैलेंट तो शाबाश इंडिया में जा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जा, वहाँ तेरे टैलेंट की कदर है, वहाँ ट्यूबलाइट अपने ऊपर वहाँ, मतलब। एंड व्हाइल दे आर डूइंग ऑल दिस ना, तो आधी शराब नीचे गिर रही होती है। अरे साले तुम्हारे पास इतनी फीक है तो हमें इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो? क्योंकि क्लब्स में दारू अंधी महंगी होती है, कपड़े उतर जाए इतनी महंगी होती है। तो हम सोशल गए थे, तो वहाँ पे हमने एक LIT ऑर्डर करी, वो वहाँ ना वो केमिस्ट्री लैब वाले बीकर में आती है, बड़े वाले में। सभी गए तो वो 1500 रुपये की 500 ml LIT थी, जिसमें 400 ml बर्फ ही थी। आई थिंक दे शुड जस्ट चेंज द नेम फ्रॉम LIT टू LIC, लॉन्ग आइलैंड चुस्की। क्योंकि ड्रिंक की तरह तो आप उसको एंजॉय कर ही नहीं सकते ना, यू लाइक खत्म हो गई, अब थोड़ा डाल दो सोल्यूशन इसमें है थोड़ा है? भाई नशे नहीं होने, बर्फ चूस चूस के क्या करें यार, मतलब एक काम करें बर्फ भी पैक कर दो, 200 रुपये की रह गई, घर लेके जाऊंगा मैं। देखते रहिए मस्ती मैटिक और सोशल मीडिया पे अपडेट रहिए हमारे साथ। हाँ बाय बाय।